बुद्धि को तो आत्मा ही कहा जाता है। द माइंड एंड इंटेलेक्ट आर देमसेल्व्स कॉल्ड द सोल। बुद्धि तो है ही कंट्रोलर। द इंटेलेक्ट इज इंडीड द कंट्रोलर। लेकिन जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। बट अमंग द ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस एंड सेंस ऑर्गन्स उनमें ज्ञानेंद्रियां सर्वोपरि हैं। द सेंस ऑर्गन्स आर द हाईएस्ट। उनमें कौन सी इंद्रियां हैं जो बहुत चंचल होती है। अमंग देम विच ऑर्गन बिकम्स मोस्ट अनस्टेडी। चिल्ड्रन आंसर द आईज। ज्ञान में आए थे तब उतनी चंचलता नहीं थी। वेन वी केम इन नॉलेज वी वरंट सो अनस्टेडी। फिर चार अवस्थाओं में से गुजरते हैं। देन एज वी पास थ्रू द फोर स्टेजेस तो शूटिंग होती जाती है, रील खुलती जाती है। द शूटिंग कीप्स टेकिंग प्लेस, द रील कीप्स ओपनिंग अप। और इंद्रियों की चंचलता भी बढ़ती जाती है। एंड द अनस्टेडीनेस ऑफ द ऑर्गन्स ऑल्सो इंक्रीजेस। और याद की प्रैक्टिस भी बढ़ती जाती है। एंड द प्रैक्टिस ऑफ रिमेम्बरेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो पहली पहली इंद्रियां कौन सी है जो बहुत चंचल होती है। आंखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विच ऑर्गन बिकम्स वेरी अनस्टेडी। द आईज। आंखें बहुत धोखा देती है। द आईज डिसीव अ लॉट। मुरली में बोला है चेक करना चाहिए शाम को सोते समय। इट हैज बीन सेड इन द मुरली वन मस्ट चेक इन द इवनिंग व्हाइल गोइंग टू बेड। सारा दिन भी चेकिंग करनी चाहिए। वन मस्ट ऑल्सो चेक थ्रू आउट द डे। मेरी आंख ने कितनी बार धोखा दिया। हाउ मेनी टाइम्स डिड माय आईज डिसीव मी। 10, 20, 50 भूले तो रोज ही करते होंगे। वन मस्ट बी डेफिनेटली कमिटिंग 10, 20, 50 मिस्टेक्स डेली। फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी होंगे तो 10 बार करते होंगे। इफ वन इज अ फर्स्ट क्लास एफर्ट मेकर देन वन माइट बी कमिटिंग मिस्टेक्स 10 टाइम्स। मीडियम होंगे तो 20-25 बार करते होंगे। If one is a medium class effort maker, then one might be committing mistakes 20 to 25 times. और थर्ड क्लास पुरुषार्थी होंगे तो 50 भूले भी सारा दिन में दृष्टि की चंचलता की जरूर करते होंगे। And if one is a third class effort maker, then certainly one might be committing the mistakes of unsteadiness of eyes even up to 15 times in the entire day. उसके बाद after that कौन सी इंद्रिय है ये तो हुई सर्वोपरि ज्ञान इंद्रियां। उसके बाद which is the next organ. This was the highest a sense organ. After that श्रवण कर्ण इंद्रिय the auditory organ that is the ear. सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने बहुत दुर्गति पाई। इंडियंस हैव अंडरगॉन अ लॉट ऑफ डिग्रेडेशन ड्यू टू हियरसे। तो कानों को देखना है कि ये बाप की बात सुनते हैं। सो वन मस्ट चेक द इयर्स डू दे लिसन टू द वर्जन्स ऑफ द फादर। या औरों की भी सुनने लग पड़ते हैं। और डू दे स्टार्ट लिसनिंग टू अदर्स एज वेल। कहाँ रस लेते हैं। वेयर इज योर इंटरेस्ट। बाप ने जो बोला उन बातों में बुद्धि ज्यादा जाती है। कर्ण इंद्रिय के साथ इज द इंटेलेक्ट अलोंग विद द इयर्स डायरेक्टेड मोर टूवर्ड्स द वर्जन्स ऑफ फादर। या मनुष्य मात्र जो भी कुछ बोलते हैं उन बातों को सुनने में बुद्धि ज्यादा जाती है। और इज द इंटेलेक्ट डायरेक्टेड मोर टुवर्ड्स हियरिंग व्हाटएवर द ह्यूमन बीइंग्स नरेट। अगर बाप के अलावा और दूसरे से भी ज्ञान सुनते हैं अपार्ट फ्रॉम द फादर
if one also listens to the knowledge from others. जो बाप की बातों को काटने वाला है. A knowledge that cuts the versions of the father. क्रॉस करने वाला है. Crosses the versions of the father. तो ऐसा ज्ञान सुनने वाला व्यभिचारी जरूर बनेगा. Then the one who listens to such knowledge will certainly become adulterated. क्योंकि कान से संग का रंग लगता है. Because the influence of company takes place through ears. आँखों से भी लगता है. It takes place through the eyes as well. उसके बाद कानों से भी लगता है. After that, it also takes place through ears. कानों को भी बस में करना है. One must also control the ears. एक बाप के सिवाय और हम किसी की बात सुनने वाले नहीं. We will not listen to anyone except one father. दूसरे धर्मों से ये विशेषता हमको धारण करनी है. We must imbibe this speciality from other religions. मुसलमान इसी बात के कारण हिंदुओं को कहते हैं काफर. This is the reason why Muslims call Hindus kafirs, that is, the ones who wander here and there. जो उन्हें जो कुछ सुनाता है हर बात में सत्य वचन महाराज करते जाते हैं. Whichever whoever teaches them, they accept everything, saying it is true. और नीचे गिरते जाते हैं. And they keep falling down. दूसरे धर्म की आत्माएं कभी भी किसी की बात नहीं सुनती. The souls of other religions never listen to the versions of others. जो भारत के देवताएं थे वो ही द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म पिताओं की बातें सुनते चले आए. Only the deities of India kept listening to the versions of other religious fathers since the copper age. और दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते चले गए. And kept on getting converted into other religions. Hindu ही convert हुए हमेशा. Only Hindus have always got converted. जो दूसरे धर्म के होते हैं पक्के. Those who are firm in other religions. जो द्वापर कलयुग में आने वाली आत्माएं हैं. The souls which come in the copper and iron ages. और दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो कभी convert नहीं होती. And the souls of other religions never get converted. भगवान बाप आएगा तब की बात दूसरी है. It is a different matter when Godfather comes. तब भी बाद में कन्वर्ट होंगी. Then also they will get converted later on. जब उनके मुखिया कन्वर्ट हो जाते. When their chiefs get converted. इतने पक्के होते हैं. They are so firm. यहाँ भी बोला हुआ है जो आधार मूर्त जड़े हैं. Here also it has been said about the supporting roots. जो बीज रूप आत्माएं हैं. And the seed like souls. उनके उनके जो मुखिया हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं. And their heads and their followers. उनके बारे में बोला हुआ है. About them, it has been said. जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा. That one will listen to only the soul of that religion to which one belongs. और भगवान भी उतर आए और समझाए आके. ब्रह्मा भी उतर आए. And even if God descends and explains, even if Brahma descends, तो भी ब्रह्मा की बात प्रजापिता ब्रह्मा की बात नहीं मानेगा. They will not listen to Brahma or प्रजापिता ब्रह्मा. साफ कह देते हैं. They tell clearly. दादी जी को सीधा समझाओ. Explain directly to दादी जी. आपकी बातें सब अच्छी है. Whatever you say is good. लेकिन हम मानने वाले नहीं है. But we will not accept. इससे क्या साबित हुआ. So, what does it prove? कि जिस धर्म की दादी होंगी उसी धर्म के वो पक्के हैं.
It proves that they are firm in the religion to which Dadi belongs. So, kaan kacche hain ya pakke? So, are the ears weak or strong? Kacche hain. Unke kaan pakke hain. Student answered, they are weak. Are they weak? Their ears are strong. ये गुण हमें विदर्भियों से लेना चाहिए, खास भारतवासियों को. We, especially Indians, must imbibe this virtue from the Vidarmis, that is, heretics. कौन सा गुण? Which virtue? कि वो अपने धर्म पिता के अलावा और किसी की बात नहीं मानते. नहीं मानते. It is that they do not listen to anyone else except their religious father. और हमारा धर्म पिता 70 साल से बोलता चला आ रहा है. And our religious father has been speaking since the last 70 years. और हम कितने परसेंटेज में मानते हैं? And in what percentage do we accept him? और कितना परसेंटेज दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं? And in what percentage do we get influenced by the others? तो कान भी कंट्रोल में रखना है. So we must also keep the ears under control. देखना है कि कान दूसरों की बातें तो नहीं सुनते हैं. We must check. Do the ears listen to others? बाप के सिवाय दूसरों की बातों से तो प्रभावित नहीं हो जाते हैं. Do they get influenced by the versions of someone else other than the father? ये बीज रूप आत्माओं की एडवांस पार्टी में भी अभी कन्वर्शन हो रहा है. Now, conversion is also going on in the advanced party of the seed-like souls. ऐसे नहीं द्वापर कलयुग में ही कन्वर्ट होते रहे थे. It is not so that we used to get converted only in the copper and iron age. अभी जो ब्राह्मणों की दुनिया के एडवांस पार्टी के भांति हैं. Now, those who are the members of the advanced party of the Brahmin world, वो भी सुनी सुनाई बातों के आधार पर कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं. Are also going on getting converted on the basis of hearsay. आधार मूर्तों की तो बात ही छोड़ दो. Leave the matter of the root like souls. वो तो कन्वर्ट होते हैं और कम कलाओं के नारायण बनते हैं. They get converted and become Narayans, possessing lesser celestial degrees. जिनका भारत में कोई गायन नहीं. Who are not praised in India at all. और जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो सतयुग में त्रेता में प्रजा तो बनती है. And their followers do become subjects in golden age and silver age. लेकिन वो भगवान की बातों पर कोई गौर नहीं करती. But they do not pay attention to the versions of God. भले डायरेक्ट भगवान उनको सुनाए तो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला. Even if God narrates to them directly, it will not have any effect on them. तो कानों को भी देखना है. So, we must also check the ears. ये कान विचारी तो नहीं बनते हैं. Do these ears become adulterated? ऐसे नहीं कि कामेंद्रियां ही विचारी बनती है. It is not so that only the sex organs become adulterated. सब इंद्रियों का यही हाल है. The condition of all the organs is the same. विचारी बनने से नीचे गिरते हैं. By becoming adulterated, one experiences downfall. कान के बाद नाक. After the ears is the nose. नाक क्या करती है? What does the nose do? नाक जो घ्राण इंद्रिय है उसमें सबसे तीखा जानवर कौन सा होता है? कुत्ता. Which animal is sharp in terms of nose, which is an organ of smell? Dog. वो सूंघा सांगी बहुत करता है. It sniffs a lot. इसने क्या किया? ये क्या कर रहा है? What did he do? What is he doing?
इनकी जिंदगी कैसे चल रही है? How is his life going on? सब की लूपहोल्स देखता रहता है, सूंघता रहता है. He keeps observing the loopholes of everyone. He keeps on sniffing. तो ऐसी अगर विचारी रूप से सूंघने की शक्ति है. So, if one possesses a power of smelling in an adulterated form, और वो तेजी से काम कर रही है. And if that power is working quickly, तो घ्राण शक्ति के आधार पर भी नीचे गिरते हैं. Then they witness downfall on the basis of that power of smell as well. अब तेजी से नीचे गिरते हैं. And they witness a swift downfall. परचिंतन पतन की जड़. Thinking about others is the root cause of downfall. स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी. Thinking about the self is the ladder of progress. इसके बाद है जिभ्या. Next is the tongue. मुख. Mouth. तो दूसरों से सुनी सुनाई बातें हैं, उन पर विचार नहीं किया ये कितनी राइट है और कितनी रंग है. If we do not give a thought to the hearsay of others, that how far is it right and how far is it wrong? कितनी मुरली के अनुकूल है और कितनी मुरली की भाषा के प्रतिकूल है. How far is it in accordance with murlis and how far is it against the language of murlis? और जो सुना बिना विचार किए दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया. And whatever we heard, we started narrating it to others without giving it a thought. सदगुरु निंदक ठौर न पावे. Then the one who defames the Sadguru will not get a place. इतना बड़ा पाप बन जाता है. Such a big sin accumulates. निंदा तो मुख से बाद में करता है. One defames through his mouth later on. पहले निंदा कानों से सुनता है. First, one listens to the defamation through the ears. तो कान से भी विकर्म, मुख से भी विकर्म होता रहता है. So, the sins keep taking place through the ears as well as the mouth. उल्टा उल्टा ज्ञान सुनाने लग पड़ता है. One starts narrating opposite knowledge. और ऐसा उल्टा ज्ञान सुनाने वाली आत्में. And the souls which narrate such opposite knowledge. देवहन में आकर के ऐसा करती है. Do so under the influence of body consciousness. उन्हें ईर्ष्या पैदा होती है कोई से. They feel jealous of someone. तब दूसरों की गिलानी करती है. Then they defame others. खुद पुरुषार्थ में उतना आगे नहीं बढ़ पाती कमजोर होने के कारण. They cannot progress that much in making efforts due to weakness. तो गिलानी का रास्ता अपना लेती. So they adopt the path of defamation. और चार तो ये ज्ञानेंद्रियां हुई. And these were the four sense organs. पांचवी ज्ञानेंद्रिया कौन सी? त्वचा. Which is the fifth sense organ? Skin. इस सब त्वचा से किसी को भी स्पर्श करेंगे. If we touch anyone through this skin, कोई भी आत्मा को स्पर्श करेंगे. If we touch any soul, अगर लगाव पूर्वक स्पर्श किया. If we touch with attachment, तो बैटरी जरूर डिस्चार्ज होगी. Then the battery will certainly get discharged. आत्मा रूपी बैटरी है ना, वो जरूर डिस्चार्ज होगी. It is a soul like battery, isn't it? That will certainly get discharged. खुदा न खास्ता धोखेधड़ी में कहीं बस में जाते. If we touch someone by chance, by mistake, while traveling in a bus, टेम्पो में जाते, टच हो जाए तो बात दूसरी है. While traveling in a tempo, then it is a different matter. लेकिन लगाव पूर्वक जो टच होता है. But a touch that takes place with attachment,
उससे संग का रंग जरूर लगता है. Then the company of such a touch will certainly have an influence. एक शिव सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको कोई भी प्रकार का संग का रंग नहीं लगता. Only one supreme soul Shiv is such who does not get colored by any kind of company. Baki Ram Krishna se lekar jo bhi manushyatmaye hain. As regards the remaining souls, from Ram and Krishna to any human soul, Ibrahim, Buddha, Christ ya unke followers, sabko sang ka rang lagta hai. Abraham, Buddha, Christ or their followers, everyone gets influenced by the company. Ye sang ka rang sang tare kusang bure. This influence of the company, good company puts you across and bad company causes downfall. Jaise drishti ka sang ka rang niche le jata hai. Just like the influence of the company of vision causes downfall, वैसे ये पांचवी इंद्रिय का संग का रंग भी नीचे ले जाता है. Similarly, the influence of the company of this fifth organ also causes downfall. इसलिए बोला क्या बोला? That is why it has been said. What has been said? एक शिव बाबा दूसरा न कोई. One Shiv Baba and none else. एक से सदगति और अनेकों से दुर्गति. One causes true salvation and many cause degradation. सदगति दाता एक है. The giver of true salvation is one. और दुर्गति दाता अनेक. And the givers of degradation are many. तो ये तो हुई ज्ञान इंद्रियों की बात. So, this was the matter of sense organs.